नमस्कार आत्मिक यात्री, आज हम विज्ञान भरत तंत्र की आठवीं ध्यान विधि के बारे में जानने वाले हैं। वायु की ये यात्रा जिसके दो संकेत होते हैं, जहाँ श्वास अंदर जाता है और जहाँ वह बाहर आता है, इस दोहरे संगम पर ध्यान करने का आलिंगन, यही है विज्ञान भैरव तंत्र की आठवीं विधि का उद्देश्य। सांस लेने में और छोड़ने में दोनों की प्रक्रियाओं में एक पल होता है जहाँ सांस का फ्लो बदलता है, इन्हीं पलों को संधि कहते हैं। श्रद्धा से जब आप उस दोहरे संगम पर ध्यान करते हैं तो आप न केवल अपनी श्वास को महसूस करते हैं बल्कि उस सांस के पीछे छिपे साक्षी को अनुभव करते हैं। वह भावना जो हमें अपने शरीर को भगवान को मंदिर मानने की क्षमता प्रदान करती है। जब आप खाना खाते हैं तो सोचें कि आप भगवान को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, और जब आप स्नान करते हैं तो महसूस करें कि आप भगवान के शरीर की पूजा कर रहे हैं। जीवन की सभी छोटी छोटी गतिविधियाँ जैसे कि सांस लेना, चलना और खाना, यदि उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ किया जाए तो वह भी साधना बन जाती है। ये तकनीक भी हमें दर्शाती है कि कैसे हम अपने जीवन में विज्ञान और भक्ति को संग्रहित कर सकते हैं। इस अद्वितीय संगम को अपनाने से ही हम अपने जीवन को एक उच्च आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए परम भक्ति के साथ श्वास के दोनों संधियों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जानें। प्रणाम।